खुद कम समय में और आसान तरीके से बनाएंगे मलाई से देसी घी। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी सी थाली लेंगे और यहाँ हमने लिया है ये 7 दिन की मलाई, पैकेट वाले दूध पर की मलाई है जिसको हमने फ्रिज में इकट्ठा करके रखा हुआ था। इसे थाली में डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच सेंधा नमक। आप खाने वाला यानी कि रोज़ खाने वाला नमक ना यूज़ करें, अगर सेंधा नमक यूज़ करेंगे तो इसका पूजा पाठ में उपयोग कर पाएंगे। और इसे गोल गोल घुमाते हुए फेंटेंगे। तो मलाई को हमें फ्रीजर में नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने फ्रीजर में मलाई को रखा है तो उसे निकाल कर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें, तब इस तरीके से इसे मथें। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे मलाई बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और ये मक्खन बनना शुरू हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हाथ की हथेली से इस तरीके से रगड़ते हुए इसे नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे और आप देखेंगे ये मक्खन में से छाछ निकलना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और इसे हम रगड़ लेते हैं और ये छाछ पूरी तरह से बाहर निकल गया है मक्खन से। मक्खन को समेट लेंगे और गोला बना लेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट में ही ये मलाई से मक्खन बन जाता है। इसे चिकना कर लेंगे, छाछ को हटा देंगे, इसका यूज हम बाद में कर लेंगे। भगोने में सादा पानी यानी कि नॉर्मल पानी लेंगे और इस मक्खन को इसमें डाल करके धुल लेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा जो छाछ है बाहर निकल जाए, जिससे कि खुरचन कम निकलेगा। अब हम मोटे तल्ले की एल्युमिनियम की कढ़ाई लेंगे, मक्खन को इसमें डाल देंगे। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर कढ़ाई को रख देंगे, गैस ऑन कर लेंगे और इसे थोड़ा सा पिघलने देंगे। कलछी से थोड़ा सा चला देंगे और कलछी को डालकर मीडियम फ्लेम कर देंगे, घी निकलने तक इसे छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, ये मक्खन जो है उबल करके यानी कि उफन करके गैस पर नहीं गिरेगा। ये देखिए मक्खन से घी बनना शुरू हो गया है। इसे थोड़ा सा चला देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना। इससे घी का कलर और खुशबू काफ़ी शानदार आता है। खुरचते हुए इसे चलाएँगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चीनी, जिससे घी की मात्रा ज़्यादा निकलेगा। थोड़ा सा इसे खुरचते हुए चलाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। अब कटोरे में पानी लेंगे, ये नॉर्मल पानी है, और घी में इसका छींटा मारेंगे, चलाएंगे। एक बार और छींटा मारेंगे, इससे घी बिल्कुल रवादार बनेगा यानी कि दानेदार बनेगा। इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे यानी कि खुरचन को नीचे कढ़ाई के तले में नहीं बैठने देना है। तो ये कढ़ाई हमारी मोटी है और आप देख सकते हैं घी का कलर हल्का सा ब्राउन हुआ है। अगर हम गैस ऑफ करके छोड़ देंगे तो ये डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो गैस को ऑफ कर देंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के बाद ठंडा होने के बाद घी के कलर को देख लेंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका, आप देख सकते हैं घी का कलर ब्राउन हो गया और जो खुरचन है उसका कलर डार्क हो गया है। तब हम एक बोल ले लेंगे, इसके ऊपर छलनी रख देंगे और घी को छान लेंगे। बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से ये घी बन जाता है और इसमें खुरचन बहुत कम निकलता है। ये देखिए लगभग 1 चम्मच। तो इस खुरचन का उपयोग आप ग्रेवी बनाने वाली सब्जी में डाल करके कीजिए, काफ़ी अच्छा आएगा। यानी कि काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी बन करके तैयार होती है, क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है तो इसका हलवा नहीं बना सकते हैं। और ये लगभग हमने 7 दिन की मलाई से 300 ग्राम घी इकट्ठा कर लिया है। तो ये अभी गर्म है, ठंडा होने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं कितना शानदार कलर आया है। ये हल्का सा भी गर्म है और हल्का सा जमा हुआ है, ये पूरा जम गया है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और 10 से 15 दिनों के बाद आप देखेंगे तो इस घी का आपको कलर और टेक्सचर बिल्कुल इस तरह का नज़र आएगा। इसे निकाल करके दिखाती हूँ, काफ़ी दानेदार घी बन करके तैयार हो गया है। इस घी को आप 1 से 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसका खुशबू, कलर और ये बिल्कुल इसी तरह से दानेदार आपको 2 से 3 साल तक बना रहेगा। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घी तो आप हमेशा बनाते हैं लेकिन इस तरीके से एक बार घी ज़रूर बनाइएगा। इसमें ना आपको दही की ज़रूरत है, ना नींबू की ज़रूरत है, ना इनो की ज़रूरत है, ना ठंडे पानी की ज़रूरत है। बस सिंपल तरीके से और आसान तरीके से इस घी को एक बार ज़रूर बनाइएगा।
और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टाटा।